बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर, हमारा फोर्थ लेक्चर है। बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हमने बायोएनर्जेटिक्स को डिस्कस किया था, एनर्जी किस फॉर्म और किस सूरत में होगी वो हमने डिस्कस कर लिया है, और लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में, क्या इसकी अहमियत है वो डिस्कस किया है। आज हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्या और इनका क्या किरदार है फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो पहली बात, पिगमेंट्स पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो सूरज से आने वाली लाइट को ट्रैप करते हैं या खींचते हैं या जज्ब करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, those chemical compounds are called as pigments. इन chemical compounds को हम pigments कहते हैं। सूरज से जितनी भी light और heat आती है, उस light और heat को absorb करने वाले compounds को हम pigments कहते हैं। तो चूंकि जब light absorb नहीं होगी, तो photosynthesis का अमल होगा भी नहीं। तो पहले इनको define करते हैं, what are photosynthetic pigments? Those chemical compounds, वो केमिकल कंपाउंड्स या पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब लाइट, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या हीट और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, आर कॉल्ड, उन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड्स दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड हीट, जो रोशनी और हरारत को जज्ब करते हैं प्लांट में, वो उन्हें ट्रैप करते हैं, खींचते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या पिगमेंट्स या पार्टिकल्स को हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया है कि लाइट की एक मखसूस रेंज है जिसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उस रेंज की लाइट को विजिबल लाइट कहते हैं, और वो विजिबल लाइट रेंज रखता है 370 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। तो हम इनको यूं भी बयान कर सकते हैं, और या फिर यूं भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दी केमिकल कंपाउंड्स, दी केमिकल कंपाउंड्स, वो वाले केमिकल कंपाउंड्स या पार्टिकल्स दैट एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब करते हैं दी विजिबल लाइट, दैट एब्जॉर्ब दी विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और हमें पता है दैट रेंज फ्रॉम 370 nm तो 750 nm उसकी रेंज ये है। तो जो इस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हो उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं, जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हो उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं, जो सूरज से आने वाली लाइट की इस रेंज या इस लाइट को जिन्हें हम देख सकते हैं और उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, the chemical compound or particle that absorb the visible light या इस range वाली light are called, उन्हें हम कहते हैं photosynthetic pigments, यानी कि photosynthesis के अमल में light को खींचने वाले pigments। अब pigments जो है ये दो अक्साम के हैं, basically तो फिर pigments दो types के हैं, इनके two types हैं। पहले को हम कहते हैं मेन पिगमेंट्स, फर्स्ट आर मेन पिगमेंट्स, और सेकंड आर एसेसरी पिगमेंट्स, सेकंड आर एसेसरी पिगमेंट्स। ये मेन पिगमेंट्स देखिएगा, फोटोसिंथेसिस के अमल में लाइट को ट्रैप करने वाले या खींचने वाले पिगमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ का रोल इंतहाई ज्यादा और कुछ
अपना किरदार अदा तो करते हैं लेकिन जस्ट टू सपोर्ट अदर पिगमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पिगमेंट्स को सपोर्ट, थोड़ा सा हेल्प देने की खातिर। तो मेन पिगमेंट्स, द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की द मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इज क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और क्लोरोफिल में भी खास तौर पर द क्लोरोफिल ए जो है, तो द मेन पिगमेंट जिसका सबसे ज्यादा रोल है, This is the busy and most active. This is the busy का मतलब है मसरूफ तरीन, ज्यादा काम करने वाली, and at most active जहां पे ज्यादा सबसे काम कराया जा रहा है, लाइट ट्रैप होती है और काम में लाया जा रहा है, इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो दैट इज द मेन पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इज क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए इनका मेन पिगमेंट है। क्यों मेन पिगमेंट है? ये है इसकी वजह, दिस इज द बिजी एंड मोस्ट एक्टिव, ये सबसे बिजी और सबसे ज्यादा एक्टिव है। डायरेक्टली दिस पिगमेंट, ये वाला जो पिगमेंट है, कैन डायरेक्टली यूज द लाइट, ये जिस लाइट को ट्रैप करता है उसको डायरेक्ट इस्तेमाल में ला सकता है इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेल के अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस या खुराक के बनने से जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें ये वाला पिगमेंट अपने एब्जॉर्ब की गई लाइट को टर्न कर सकता है या कन्वर्ट कर सकता है। जबकि एसेसरी पिगमेंट, These are the supporting या helping pigments, ये support करने वाले और ये help करने वाले pigments हैं। ये वाले जो pigments हैं, accessory pigments, absorb light, ये light को absorb तो करते हैं, अब उसी light को ये direct इस्तेमाल में लाते थे, ये direct इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो these pigments absorb light, ये वाले pigments light को absorb करते हैं, these pigments absorb light and cannot use this light directly in reactions, उस लाइट को डायरेक्ट रिएक्शंस के चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब तो करते हैं, अब दे ट्रांसफर द एब्जॉर्ब्ड लाइट, वो जो उन्होंने एब्जॉर्ब्ड लाइट, जितनी लाइट उन्होंने ट्रैप की है या एडजस्ट की है, उसको ट्रांसफर करते हैं टू मेन पिगमेंट, यानी के क्लोरोफिल ए के हवाले कर देते हैं। ये है इनकी वजह कि ये एसेसरी है और ये मेन है। तो हमने अब ये सीखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस में लाइट को खींचने के लिए वहां पे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स या पार्टिकल्स हैं, इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। ये सूरज से आने वाली जो विजिबल लाइट है, जिसकी रेंज ये है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, पिगमेंट्स दो तरह के हैं, दो टाइप्स के हैं, मेन पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट। मेन पिगमेंट क्या है, इसको इस वजह से मेन पिगमेंट कहते हैं कि जो ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, उसको केमिकल प्रोसेसेस में कन्वर्ट करके सारे केमिकल रिएक्शन उससे चला सकते हैं। That's why I call this main photosynthetic pigment. और वो क्या है, क्लोरोफिल ए है। एसेसरी पिगमेंट्स क्या है,
ये लाइट एब्जॉर्ब करते तो हैं उनकी तरह, वो भी लाइट एब्जॉर्ब कर, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस में उस लाइट को फंसा नहीं सकते, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए उस लाइट को यूज या इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो क्या करते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब की है उसे क्लोरोफिल ए के हवाले करते हैं। तो इनका लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देना मींस मसला यह है कि ये क्लोरोफिल ए को या मेन पिगमेंट को सपोर्ट कर रहा है। That's why these are called accessory. These are supporting. Yeah, these are helping pigments. तो इनकी example क्या है? E.g. इनकी example है chlorophyll B. Chlorophyll B है. और क्या है? Number दो carotenes. Carotenes. Number तीन xanthophyll. Xanthophyll. ये है वो पिगमेंट्स विच आर सपोर्टिंग जो सपोर्ट करते हैं। और ये क्लोरोफिल ए है, यहां पे ईजी ये जो मेन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, वो क्लोरोफिल ए है, यानी कि ये मेन पिगमेंट है और वो सपोर्टिंग पिगमेंट है। अच्छा, अब इनमें से ये किस किस रेंज की लाइट को मोस्टली एब्जॉर्ब करते हैं और ये किस किस रेंज की लाइट को मोस्टली एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्लोरोफिल ए जो है इट मोस्टली एब्जॉर्ब ये एब्जॉर्ब करता है ज्यादातर फर्स्ट पहले नंबर पे रेड लाइट, यहां पे नंबर वन, दूसरे नंबर पे ब्लू लाइट, यहां पे मैं लिख लेता हूं नंबर टू, और तीसरे नंबर पे दैट इज वायलेट, वो वायलेट लाइट है। अब देखें क्लोरोफिल ए मेनली एब्जॉर्ब, ये खुश होता है, ये बेहतरीन है जब ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को पहले नंबर पे सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे ब्लू लाइट को, तीसरे नंबर पे वायलेट लाइट को ये सबसे ज्यादा ट्रैप करता है, ये इस पे ये ज्यादा एक्टिव रहता है। जबकि विजिबल लाइट में चूंकि ये तीन रंग तो सिर्फ नहीं है, तीन कलर इस रेंज में टोटल सेवन कलर है, वो जो बाकी सेवन कलर्स हैं वो फिर सारे उनके लिए ये एब्जॉर्ब। अच्छा, सेवन में से तीन यहां आ गए, बाकी जो चार उन सेवन में से बचते हैं वो चार एसेसरी पिगमेंट उनके लिए एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि लाइट की स्पेक्ट्रम में किसी भी विजिबल रेंज की लाइट को वापस जाया जाने नहीं देता, बल्कि उसको अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये जो क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल हैं, दी मोस्टली एब्जॉर्ब, ये वाले मोस्टली एब्जॉर्ब ज्यादातर एब्जॉर्ब करते हैं नंबर फर्स्ट पहले नंबर पे दैट इज ऑरेंज लाइट की जो रेंज है वो एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे नंबर पे ग्रीन लाइट की जो रेंज है वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे येलो लाइट की जो रेंज है वो एब्जॉर्ब करते हैं, नेक्स्ट इज जो येलो और रेड के बीच या ऑरेंज या ब्राउन कलर का के पिगमेंट है, तो यहां पे हम ब्राउन तो खैर हमने डिस्कस किया ही नहीं है इसमें, चले वो फिर बाद में इसके पिगमेंट कलर में डिस्कस कर देते हैं। तो इसमें ऑरेंज आया, ग्रीन आया, येलो आया, और उसके बाद चौथे नंबर पे द इंडिगो, वो जो इंडिगो ब्लूइश लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब ये भी विजिबल रेंज की लाइट है, ये भी विजिबल, ये वाली एब्जॉर्ब करते हैं, ये फिर ये रेंज की लाइट एब्जॉर्ब करके, यानी कि पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को कोई सा भी पिगमेंट वापस नहीं होने देता, उस पूरी रेंज को इस्तेमाल में लाया जाता है फोटोसिंथेटिक, उनको आगे फूड में या केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं। तो क्लोरोफिल जो है इसका अहम रोल है फोटोसिंथेसिस में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लोरोफिल जो है दैट इज ऑफ सिक्स टाइप्स, ये छह अक्साम में है, क्लोरोफिल इज ऑफ सिक्स टाइप्स, क्लोरोफिल जो है वो छह अक्साम में, द फर्स्ट इज क्लोरोफिल ए, फर्स्ट इज क्लोरोफिल ए, पहला है क्लोरोफिल ए, सेकेंड इज क्लोरोफिल बी, सेकेंड इज क्लोरोफिल बी, थर्ड इज क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी,
क्लोरोफिल ई एंड क्लोरोफिल एफ, तो यहां पे ये इसके साथ तीसरा, ये फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स, तो क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और क्लोरोफिल एफ, तो ये छह अक्साम के क्लोरोफिल हैं और इन सबका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना। लेकिन क्लोरोफिल मौजूद तो है लेकिन मुख्तलिफ अक्साम के, जो क्लोरोफिल ए और बी है, दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये मौजूद है प्लांट्स में, और क्लोरोफिल सी और डी जो है इसमें सम कुछ मिकदार में बी भी है, और ग्रीन जो एलजी है उसमें ए भी पाई जाती है, चले हम सी और डी से कर देते हैं, दैट इज फाउंड इन एलजी, ये वाला जो क्लोरोफिल है ये एलजी में पाया जाता है, और जो ई और एफ है दैट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये वाला क्लोरोफिल बैक्टीरिया में मौजूद है। तो क्लोरोफिल छह टाइप्स का, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड क्लोरोफिल एफ, ए और बी मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट्स, समटाइम्स सी भी इधर है, और एलजी में सी एंड डी, इनके साथ कभी क्लोरोफिल ए बी, ये एलजी में, जबकि ई और एफ दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई क्लोरोफिल ई और एफ, ये जो क्लोरोफिल ई और एफ है दे आर आल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, दैट इज आल्सो नाउन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, इनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स भी कहा जाता है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लोरोफिल की सिक्स टाइप्स है ये किस बुनियाद पे है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ केमिकल जो इनका फार्मूला या स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मिकदार में एक दो का फर्क आके उनको एक दूसरे से चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर क्लोरोफिल ए में 72 हाइड्रोजन है तो 70 हाइड्रोजन क्लोरोफिल बी में है, इसलिए उसको थोड़ा सा चेंज, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहां पे फिर हम डिस्कस कर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनका जो नंबर है वो कम और बेश या कम ज्यादा हो के 2, 3, 4, 5, 8, 10 तक, एक कम और एक भी ज्यादा है, तो इनकी जो मिकदार है, इनकी जो तादाद है, इनमें मामूली मामूली फर्क आने की वजह से क्लोरोफिल छह टाइप्स का बनता है, क्लोरोफिल ए बी प्लांट्स में, सी डी एलजी में, और ई एफ बैक्टीरिया में, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है जहां पे भी यह आप पाया जाता है लीस्ट एब्जॉर्ब, लीस्ट का मतलब कम से कम, लीस्ट एब्जॉर्ब, ये कम एब्जॉर्ब करता है द ग्रीन एंड येलो पोर्शन ऑफ लाइट, द ग्रीन एंड येलो पोर्शन या वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लोरोफिल थोड़ा सा ये खासियत, चूंकि यहां पे ग्रीन कलर यहां पे हमने लिखा है फोटोसिंथेटिक जो एसेसरी पिगमेंट थे जिनमें कैरोटीन्स और ज़ेनोटोपिन हैं, ये ग्रीन कलर की रेंज वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि क्लोरोफिल जो है यहां पे इन तीन रंगों को मोस्टली एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को बिल्कुल एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, सारे के सारे क्लोरोफिल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन नजर आते हैं और प्लांट के पार्ट्स भी हमें ग्रीन नजर आते हैं, और येलो लाइट लीस्ट एब्जॉर्ब, ग्रीन तो बिल्कुल नॉट एब्जॉर्ब रिफ्लेक्टेड, जबकि येलो जो लाइट है दैट इज लीस्ट एब्जॉर्ब, वो फिर भी कुछ ना कुछ या कम से कम एब्जॉर्ब हो जाती है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इस लाइट को जस्ट करने के बाद लिविंग सिस्टम में केमिकल कंपाउंड्स या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को बनाने की वजह, ये उनको बनाने का सबब बनते हैं। सो ऑल दीज आर, अच्छा उसके बाद जो ये कैरोटीन्स हैं, नंबर दो ये क्लोरोफिल कैरोटीन्स या कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड्स हम लिखेंगे कैरोटीन्स और ज़ेनोटोपिल, कैरोटीन्स एंड ज़ेनोटोपिल, ये हमारे पास जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, दीज आर द पिगमेंट्स ऑफ, दीज आर द पिगमेंट्स, ये वो पिगमेंट्स हैं विच हैव ऑरेंज
रेड, येलो, ब्राउन कलर, ये इन कलर के पिगमेंट्स हैं, जबकि जो क्लोरोपिल था, क्लोरोपिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, यहां पे हम लिख लेते हैं क्लोरोपिल इज ग्रीन कलर पिगमेंट, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब ग्रीन कलर का इस वजह से है, इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर, और ये ऑरेंज, रेड, येलो और ब्राउन कलर के पिगमेंट्स हैं। सो दीज आर द पिगमेंट्स व्हिच एब्जॉर्ब डिफरेंट रेंज ऑफ लाइट, लाइट की जो रेंज एब्जॉर्ब करते हैं, किस रेंज में कौन सी लाइट, कौन सा पिगमेंट कहां पे मौजूद है, और बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, एल्जी में कहां कहां पे मौजूद है। सो ऑल दीज आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनका रोल है, इनका काम है प्लांट्स के लिए लाइट को ट्रैप करना और उसको बाद में केमिकल कंपाउंड्स के बनाने में उसको इस्तेमाल में लाना, यूज करना। दिस इज अवर टॉपिक अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि पिगमेंट्स के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या रोल है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।